हरदोई के माधोगंज करसठ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांगे कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कहा है कि नगर पंचायत कुरसठ में प्रस्तावित सामुदायिक शौचालय बनाया जाए, खसरा संख्या 1604 तालाब जमीन पर शौचालय नाली आवास रोड आदि निर्माण करवाकर जो धन का उपयोग यहां पर किया गया है उसकी भी वसूली की जाए, बेघर हुए लोगों को सरकारी आवास में सुविधा मुहैया करवाई जाए। इसके साथ ही कुरसठ बुजुर्ग देहात में यहां पर मजरा गंगापुरम दलित गांव तक यहां गांव का संपर्क बनाया जाए, ऐसी कई मांगे हैं जिसको लेकर यहां पर अब अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू हो गया है। कई तरह की मांग इन लोगों की है जिसको लेकर इन्होंने यहां पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इस मामले को लेकर अब लगातार राजनीति भी गर्म होती जा रही है। भाई साहब आपका? मेरा नाम अभिषेक पटेल है, मैं आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। मैं 2017 में विधानसभा 169 ये बताइए भाई साहब, ये किस विषय में आपने यहाँ पे धरना रखा है? यहाँ पे जो ये धरना चल रहा है ये नगरी और ग्रामीण की लगभग 8-9 समस्याएं हैं, जिसमें प्रमुख है कुरसठ का अस्पताल। कुरसठ में एक तालाब में कार्रवाई हुई थी जिसमें पिंक शौचालय अभी भी बना है तालाब के बीच में, उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। और 9 PM आवास किराए के दुरुपयोग धनराशि की वसूली और बेघर लोगों का आवास दिया। और एक हमारे यहाँ परौली में है राजन प्रसाद बड़े भैया, उन्होंने करीब 30-40 पट्टों की जमीनों को कब्जा कर रखा है। उस पट्टे की जमीनों को मुक्त कराया जाए और लाभार्थियों को दिलाया जाए। और 109 प्रधानमंत्री आवास आए थे उसमें भेदभावपूर्ण जो पात्रता का चयन हुआ उसकी जांच कराई जाए। ये बताइए भाई साहब, जिसे आपने यहाँ पे धरना रखा है अब किस विभाग या कोई अधिकारी को ज्ञापन वगैरह दिया है? मैंने हरदोई सिटी मजिस्ट्रेट को ये ज्ञापन प्रथम बार दिया था 20 जनवरी को, दोबारा मैंने ज्ञापन दिया है कि 14 मार्च को, तीसरा अभी जो प्रदर्शन चल रहा है इसका मैंने ज्ञापन 18 जुलाई को ज्ञापन दिया। तो ये बताइए जैसे कि मतलब आप यहाँ पे धरना रखे हैं ये कब तक धरना चलेगा? ये हमारी जो मांगे जब तक ये मांगे पूर्ण नहीं हुई और हमारे जो लोग समर्थक उनका भी मानना यही है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठने। मतलब कुछ भी हो रहा है जारी रहेगा, ये 2 महीने साल भर जो भी चल रहा हूँ चलता रहेगा जब तक ये। तो मतलब कुछ धरने का कुछ समय होगा? धरने का समय आज तो है, शाम को 5 बजे खत्म होगा, मगर कल से हमारा जो रहेगा रात दिन 24 घंटे। अच्छा, तो जैसे कि मतलब आप 24 घंटे धरना रहेंगे जब तक जैसे कोई उच्च अधिकारी जब तक यहाँ आपका उच्च अधिकारी आए और हमारे जो मांगे हैं उनमें कार्य शुरू करा। ये नहीं कि हम आश्वासन पे हट जाएं, क्योंकि आश्वासन पे हम हट चुके हैं। जैसे आप उच्च अधिकारी को किसको यहाँ पर बुलाना चाहते हैं? यहाँ पे जिला अधिकारी या डीएम साहब जो सक्षम अधिकारी हों वो इस यहाँ पे आए और हमारा ज्ञापन लें और हमारे काम को कराएं। ज्ञापन लेने के लिए ज्ञापन तो 2-3 बार ले चुके हैं मगर अभी तक कार्य नहीं हुआ। तो ये अधिकारियों को जो निरंकुशता है, हम इस बार नहीं चाहते कि हम बिना कार्य के यहाँ से। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।